दिल्ली सरकार को बिजली पर लगातार झटके जारी हैं। आज दिल्ली में डीईआरसी के साथ हो रही बैठक में एकाएक काले झंडे लहरा उठे, आरडब्ल्यूए के लोग थे। दरअसल बिजली की दरों को लेकर जो बवाल उठा है, इसी मुद्दे पर डीईआरसी यानी कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई कर रहा है। इस बैठक में दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए को बुलाया गया है। आरडब्ल्यूए के कुछ लोगों ने डीईआरसी और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया और नारेबाजी की, इस तरह के काले झंडे दिखाए। इनका आरोप है कि बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है वो दिल्ली वालों पर जुल्म है, लिहाजा सीएजी से बिजली कंपनियों के खातों की जांच कराई जाए। ये डीईआरसी का कोर्ट रूम है जहां पर सुनवाई हो रही थी, जन सुनवाई बिजली के दामों को घटाने को लेकर, स्लैब को लेकर के। लेकिन यहां पर हंगामा मच गया है। दिनेश गांधी जी के आरडब्ल्यूए के, आप ये बताइए कि किस बात को लेकर ये जो आप लोग ब्लैक फ्लैग निकाले। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको, देखिए कंपनीज जो है हमेशा प्रॉफिट में रही है। कंपनीज की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो दोनों ऑडिट चल रही है कंपनीज। एक ऑडिट के अंदर कंपनी ये दिखा रही है कि उसको 6,753 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। दूसरे ऑडिट के अंदर कंपनी वो दिखा रही है कि उसको 4,661 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। लगातार घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है और तमाम जो अभी सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई को बीच में रोकना पड़ा है। डीआरसी के तमाम मेंबर्स को उठकर जाना पड़ा है यहाँ पर इस हंगामे के बीच। यानी केवल बाहर हंगामा नहीं है डीआरसी ऑफिस के बाहर, बल्कि अंदर भी जो आरडब्ल्यूए इसमें भाग लेने आए थे उन्होंने भी हंगामा किया है, काले झंडे दिखाए हैं और डीआरसी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, शोरगुल मचाया है। तो ये है बिजली को लेकर डीआरसी की।